अगर हम अबोसन की नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट कंडीशंस है अबोसन, अगर हम अबोसन की बात करें तो अबोसन इज अबोसन के साथ ऑलवेज प्रेजेंटेड इन फील्ड प्रैक्टिस, द नंबर एंड स्टेज ऑफ अबोसन में बी वेरी इन डिफरेंट लोकेशंस, टाइम ऑफ अबोसन में बी वेरी अप टू 2 to 8 months, एंड सच केस शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। तो बेसिकली क्या है कि एक वाइबल स्टेज पे फिटस का एक्सपल्जन होना अबोसन है, मोस्टली डेड फिटस। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बेसिकली जो ओवरऑल देखें हम तो ये डिफरेंट टाइम पे हो सकता है, 2 to 8 month, और इसमें डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री, देर इज नंबर ऑफ रीजंस, देर इज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज दैट काज अबोसन, देर इज नंबर ऑफ कंडीशंस। तो ऐसे केस में जनरली क्या होता है कि बेसिकली जो बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिनमें अबोसन होता है, तो ऐसे केस में हम ये कह नहीं सकते कि ये पार्टिकुलरली उस कारण से हुआ है। तो बेसिकली हम अगर गेस्टेशन पीरियड को डिफरेंट उसमें ट्राइमेस्टर में डिवाइड करें तो बेसिकली अगर हम ब्रुसेला की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ट्राइकोमोनास फीटस है वो सेकेंड और थर्ड दोनों में कर सकता है, और बहुत सी ऐसी डिजीज है, टीबी है, जेडी है, तो जिनमें जिनमें लेट ट्रिपनोसोमा सर्रा के अंदर भी अबोसन होता है। तो ये क्या करते हैं, एनिमल की कंडीशन है, जनरल कंडीशन, उसको को वीक कर देते हैं, एंड देर इज अबोसन इन प्रेगनेंट एनिमल्स इज जस्ट कॉमन फिनोमेना ड्यू टू सच डिजीज। एंड इफ अगर हम सजेशन करें, सजेशन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो दी ट्रीटमेंट इन अबोसन केस डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ अबोसन, एंड इफ अबोसन अकर बिफोर 3 month ऑफ गेस्टेशन देन द प्लेसेंटा कम आउट अलोंग विद द फिटस। अगर 3 महीने से कम टाइम में अबोसन हुआ है तो प्लेसेंटा है वो अपने आप बाहर आ जाता है, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, एंड इन अबाउट 3 months कई बार प्लेसेंटा नहीं आता। तो ऐसे केस में वी हैव टू बी गो फॉर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, इट मे कॉज द मेटराइटिस इन लेटर स्टेज, एंड इन सच सच एनिमल्स आर रिकवर्ड इन शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड्स बिफोर, देयर फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम देर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट, पार्टिकुलरली इफ द एनिमल इज ईटिंग नॉर्मली। आफ्टर दी नॉर्मल वी कैन से एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, वी शुड गो फॉर द सेक्सुअल रेस्ट फॉर 50 डेज, एंड माइट बी सजेशन फॉर दिस एनिमल्स इफ दी अबोसन अकर इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी देन द रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉमन प्रॉब्लम, एंड सच केसेस द फ्लोइंग आर द सम ऑफ सजेशंस दैट अटेम्प्ट शुड बी मेड टू एक्सपेल आउट दी रिमेनिंग मटेरियल इन साइड द यूट्रस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कैल्शियम प्रिपरेशन सच एज माइफेक्स। एंड अगर आप देखो तो जो इंट्रायूटराइन बोलस है यूरोन के नाम से भी आती है, यूकेल्पलस और क्लीनेक्स के नाम से बोलस आती है, यू शुड गो फॉर इंट्रायूटराइन बोलस आफ्टर द प्रॉपर ग्लो एंड हैंडलिंग, एंड द मोस्ट कॉमनली द यूज्ड बोलस आर रिसेंटली बोलस कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फुराजोलिडोन एंड मेट्रोनिडाजोल, उसमें यूरिया हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, सो हाउएवर लिक्विड प्रिपरेशन हैज कंसीडर्ड एज सुपीरियर ओवर द बोलस। हालांकि जो लिक्विड प्रिपरेशन है वो हमेशा ही बेटर रहती है, इसीलिए वी शुड गो फॉर वी कैन से लिक्विड प्रिपरेशन, एंड लवाजिंग कर सकते हैं हम ऐसे केस में, लवाजिंग वी कैन गो फॉर लवाजिंग फॉर विद के वन ऑफ आर ऑल्सो समटाइम, बीटाडीन सॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल, एंड इफ वी लवाज एन एस एस विद बीटाडीन दैट इज वेरी बेटर कंडीशन, बेटर दैट गिव वेरी बेटर रिजल्ट, मेट्रोनिडाजोल इज ऑल्सो वेरी सर्फेक्टेंट एंटीमाइक्रोबियल, सो वी यू कैन ऑल्सो गो फॉर मेट्रोनिडाजोल एंड बीटाडीन लवाजिंग, दैट इज ऑल्सो ए गुड प्रिपरेशन वी कैन से। सो दिस और वी हैव टू टेक केयर ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द अबोसन केसेस बिकॉज दैट मे बी वेरी कंटेमिनेटेड एंड मे काज सम इन्फेक्शियस डिजीज लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शंस, बेसिकली माइक्रोबैक्टीरियम बोविस इन केस ऑफ बफेलो, इट इज वेरी दैट क्रिएट्स वेरी जनरल कंडीशंस एंड लीड टू इन्फेक्शन ड्यूरिंग दी हैंडलिंग ऑफ दी अबोर्टेड केसेस। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अदर रिप्रोडक्टिव कंडीशंस।